कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी हुई राज्य से बाहर, लेकिन क्या है कर्नाटक का इतिहास, मैसूर से कैसे बना कर्नाटक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार कांग्रेस के आगे बीजेपी चारों खाने चित नजर आई। आपको बता दें कि यहां 10 मई को विधानसभा का चुनाव हुआ था और 224 सीटों पर लड़े जा रहे इस चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा जलवा दिखाया कि बीजेपी छूमंतर होती नजर आई। जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से खुद को जीत का दावा कर रही थी वो 70 के आंकड़े को पाने के लिए हाथ पैर मारती नजर आई। लेकिन अगर कर्नाटक के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि कर्नाटक आजादी के दौरान 20 से ज्यादा प्रांतों में बटा हुआ था। सवाल उठता है कि बाद में ऐसा क्या हुआ कि आज का कर्नाटक का भूगोल पूरी तरह से बदल गया। दरअसल आज का कर्नाटक राज्य आजादी के दौरान 20 से भी ज्यादा प्रांतों में बटा था। इनमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, हैदराबाद रियासत और मद्रास शामिल थे। लेकिन आजादी के बाद साल 1953 में जब आंध्र प्रदेश बना तो मद्रास के कई जिले मैसूर में मिला दिए गए। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया और वो आंदोलन करते हुए विद्रोह पर उतर आए, जिसके बाद सरकार को भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना करनी पड़ी। इसमें सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों का एक अलग राज्य बनाया गया। साल 1973 में स्टेट ऑफ मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री देवराज उर्स थे। अब बात की आखिर मैसूर को कर्नाटक क्यों बनाया गया। दरअसल वैसे तो इस राज्य के नाम को लेकर कई अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली है वो है काली मिट्टी की ऊंची भूमि यानी कर्नाटक। दरअसल करु यानी काली और ऊंची और नाट यानी भूमि जो काली मिट्टी से आया है और दक्कन के पठारों से ऊंचाई का शब्द लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का राज्य का नाम कर्नाटक हुआ। दरअसल अंग्रेज इस जगह के लिए कार्नाटिक शब्द इस्तेमाल करते थे। कर्नाटक की राजनीति में शुरुआत से ही मैसूर घराना काफी प्रभावशाली रहा है। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स के बाद 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे। यहां से कई ऐसे राजनेता निकले हैं जिन्होंने देश की राजनीति में गहरा प्रभाव छोड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, BS येदुरप्पा और SM कृष्णा जैसे राजनेता कर्नाटक से ही हैं। साल 1977 से 2023 के बीच कई बार ऐसे हालात बने जब कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इस राज्य पर कांग्रेस का काफी वर्चस्व रहा है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 9 बार अपनी सरकार बना चुकी है। हालांकि साल 1983 में जनता पार्टी के रामकृष्ण हेगड़े ने कांग्रेस के शासन की परंपरा तोड़ी थी, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इसके बाद 1994 में जनता दल के HD देवगौड़ा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। साल 2006 में एक बार फिर से बीजेपी JDS गठबंधन की सरकार बनी और देवगौड़ा के बेटे HD कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। हालांकि गठबंधन की ये सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। वहीं अगर बात साल 2008 की करें तो यहां बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था, लिहाजा बीजेपी की सरकार जल्द गिर गई और फिर कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बना ली। बाद में ये सरकार भी ज्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं बैठ सकी और एक बार फिर बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना सिक्का जमा लिया और इस बार फिर से कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ सीटों से कर्नाटक में विजय हासिल की है और बहुत जल्द यहां कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।